आज हम आपको स्कोप ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में बताएंगे। इसके पहले के जो दो मेरे लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको टोटल इंट्रोडक्शन की बात की, जिसमें फर्स्ट वाला लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण था और उसको ध्यान पूर्वक आप पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। सारे कोर्स का सार वो मेरे फर्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा लेक्चर जो है उसमें हमने कुछ शब्दावलियों को परिभाषित करने का प्रयास किया, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू मस्ट नो द टर्म्स टर्मिनोलॉजीज दैट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। और आज हम विषय क्षेत्र के बारे में बताएंगे, स्कोप ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। टूरिज्म इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। पर्यटन जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी है आर्थिक वृद्धि के लिए। किसी भी राष्ट्र के विकास में आर्थिक वृद्धि अगर करनी है तो वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या है, वह है पर्यटन, दैट इज टूरिज्म। टूरिज्म मैनेजमेंट इज जनरली कंसिडर्ड एज ब्राइट एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर एज इट ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। पर्यटन प्रबंधन को एक तौर पर पर्यटन प्रबंधन आप यूं समझिए कि यह एक बहुत ही ब्राइट और इसमें क्षमता है रोजगार देने का। रोजगार प्राइवेट में या पब्लिक सेक्टर में, दोनों में आपका जो है अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। और यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपको अधिक है, पर लोग इसके बारे में कम जानते हैं और जाना भी नहीं चाहते हैं। तो इसमें जो क्षमता है उस क्षमता का प्रयोग करिए आप सब। इस प्रकार से टूरिज्म इज द सम टोटल ऑफ द ऑपरेशंस मेनली ऑफ एन इकोनॉमिक नेचर व्हिच डायरेक्टली रिलेट टू द एंट्री स्टे एंड मूवमेंट ऑफ फॉरेनर्स इनसाइड एंड आउटसाइड अ सर्टेन कंट्री सिटी और रीजन। इस प्रकार से पर्यटन जो है एक सम टोटल संपूर्ण ऑपरेशंस इसके अंतर्गत जो होता है वो आर्थिक प्रकृति का होता है। टोटल ऑपरेशंस पर्यटन में किस प्रकार का होता है, वो आर्थिक होता है, उसकी प्रकृति आर्थिक होती है और वो डायरेक्टली रिलेटेड टू एंट्री स्टे एंड मूवमेंट, यानी लोग आ रहे हैं, लोग किसी क्षेत्र में, किसी शहर में, किसी देश में रह रहे हैं और खास तौर से जो विदेशी पर्यटक हैं वो भीतर और बाहर और इनसाइड एंड आउटसाइड अ कंट्री और अ सिटी और अ रीजन जो मूवमेंट करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं स्टे एंट्री और मूवमेंट ये सब जो है आर्थिक प्रकृति की होती है। तो इसी का हम अध्ययन करते हैं, यही जो इकोनॉमिक प्रकृति है यही हमारे ट्रैवल एंड टूरिज्म का कार्य क्षेत्र है। इन रिसेंट ईयर्स टूरिज्म हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ। आज के युग में पर्यटन एक प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में उभरा है। 21वीं सदी में खास तौर से पर्यटन आगे बढ़ेगा। किन किन तरीके से यह आगे बढ़ने की इसमें गुंजाइश है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, इफेक्टिव ड्राइवर्स फॉर रीजनल डेवलपमेंट सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन मतलब नौकरी ओरिएंटेड,
ये इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के माध्यम से विदेशी मुद्रा बड़े आराम से मिल सकती है। इफेक्टिव ड्राइवर्स फॉर रीजनल डेवलपमेंट, प्रादेशिक विकास की यह इंजन के तरह काम करेगी, और सर्विसेज दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सेवाएं हैं उसमें भी विकास होता है। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक श्रेणी की जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं वह इस उद्योग से जुड़ी हुई हैं, और इसी प्रकार से यह एक मेजर इंडस्ट्री के रूप में, इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में, विकास के रूप में हमारे सामने है। इसी के साथ, जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आई है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप हमारा आर्थिक भूगोल के जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला लेक्चर है उस लेक्चर को जरूर पढ़िएगा, उससे आपको इसमें मदद मिलेगी। इट इज ऑल्सो या इट इज एबल टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट। जिस प्रकार से यह द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक श्रेणी के आर्थिक क्रियाकलाप से संलग्न हैं, इनसे विकास संभव है। किस प्रकार से विकास संभव है? इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली, सोशली, इन अ सस्टेनेबल फैशन। आर्थिक रूप से विकास संभव है, पारिस्थितिकीय तरीके से विकास संभव है, और सामाजिक तरीके से विकास संभव है, और यह विकास हम सस्टेनेबल तरीके से कर सकते हैं, सतत विकास की ओर हम बढ़ सकते हैं। बट प्रश्न आता है, कैसे? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे हम विकास कर सकते हैं। बोलने को तो हो गया कि हम आर्थिक तरीके से, इकोलॉजिकली हम कर सकते हैं और सोशली कर सकते हैं, पर कैसे? तो इसका उत्तर आप देखिए, द फॉलोइंग आर द रीजंस। इट हैज लेस इंपैक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्सेस एंड द एनवायरमेंट एंड अदर इंडस्ट्रीज। पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जिसमें राष्ट्रीय संसाधन और पर्यावरण पर प्रभाव कम पड़ता है। अन्य उद्योगों में आप देखेंगे, उद्योगों का जो सर्वाइवल है वो रिसोर्सेस पर है, पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें चलती हैं, पर पर्यटक उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें राष्ट्रीय संसाधनों का प्रयोग बहुत कम है, और पर्यावरण में इसका जो दुष्प्रभाव है वह भी नगण्य है। इट इज बेस्ड ऑन एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन ऑफ लोकल कल्चर। यह उद्योग ऐसा उद्योग है जो आपको खुशी देता है, आप तारीफ करते हैं जो स्थानीय संस्कृति है उसके बारे में जानते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, फिर हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसका तारीफ करते हैं, एंजॉय करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। दस इट हैज अ डायरेक्शनल पावरफुल मोटिवेशन टू प्रोटेक्ट दीज एसेट्स। और इस प्रकार से हमें ये प्रेरणा देती है कि हमारी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है, हमारा जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो प्राकृतिक पर्यावरण है, इसको हमें बचाना चाहिए। इट कैन प्ले अ पॉजिटिव पार्ट इन इंक्रीजिंग कंज्यूमर कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट कैन प्ले अ पॉजिटिव पार्ट, यह धनात्मक इसकी भूमिका हो सकती है कि कंज्यूमर्स जो हैं, उपभोक्ता जो हैं, वो जागरूक बनते हैं कि हमें वाकई में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़नी है, सतत विकास की ओर बढ़नी है। प्रिंसिपल्स थ्रू इट्स अनपैरेलल्ड कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स प्रोवाइड एन इकोनॉमिक इंसेंटिव टू कंजर्व नेचुरल एनवायरमेंट्स एंड हैबिटेट्स विच वुड हैव बीन इम्पॉसिबल ड्यू टू डैमेजिंग लैंड यूजेस। यह एक
आर्थिक इंसेंटिव के रूप में प्रोवाइड करता है कि हम प्राकृतिक संसाधन को कैसे कंजर्व करें, संरक्षित करें, और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ फ्लोरा एंड फौना जो होती है, वनस्पति जीव जंतु, इनको भी हम कैसे संरक्षित करें, विच वुड हैव बीन इम्पॉसिबल ड्यू टू डैमेजिंग लैंड यूज। जिस प्रकार से भूमि उपयोग, बढ़ती हुई भूमि उपयोग हम देख रहे हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य हम देख रहे हैं, टूरिज्म एक ऐसा उद्योग है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेना है, और इसी तरीके से हम हमारे प्राकृतिक विरासत को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं। दस, ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपेंड्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। इस प्रकार से पर्यटन उद्योग जो है वह विभिन्न सेवाओं पर आधारित है। ट्रैवल एंड टूरिज्म में कौन कौन सी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे आपका ध्यान होना चाहिए। सबसे पहला क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। दूसरा आपका क्या है? एयरपोर्ट्स। तीसरा आपका क्या है? एयर नेविगेशन। चौथा आपका क्या है? रोड्स। और पांचवा आपका क्या है? रेल एंड पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो ये जो सेवाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर रहेंगी तभी पर्यटक आएंगे, रहेंगे, उनका उपयोग करेंगे और इससे हमारी आर्थिक आय बढ़ेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज है उस पे हम बात करते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज, आधारभूत संरचनात्मक सेवाएं क्या क्या होती हैं? इसमें होटल्स आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं, दुकान आती हैं, और भी मनोरंजन के जो साधन है वो सब आते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। अभी हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि देयर आर मेनी कंसर्न्स एंड इंडस्ट्रीज दैट आर डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द इंडस्ट्री। ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो इस इंडस्ट्री को प्रत्यक्ष रूप से कंट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं, हेंस इन अ लॉन्ग रन क्रिएट ग्रेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। और आगे चढ़कर आप देखेंगे कि एक विस्तृत रोजगार की संभावनाएं भी बनती हैं जो इस उद्योग में काम करना चाहते हैं। रोजगार की अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? होटल्स में है, रेस्टोरेंट्स में है, रिटेलिंग में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, ट्रैवल एजेंसीज में है, टूर कंपनीज में है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस के जो प्लेसेस हैं वहां पे है, रिक्रिएशंस एंड स्पोर्ट्स में है और कल्चरल इंडस्ट्रीज में है। तो इस देखिए आप, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज में है और फिर भी लोग इग्नोरेंट है टूरिस्ट इंडस्ट्री से। अगर हम इसको सम अप करें, द स्कोप इज इन द फील्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी में मतलब जो हम कहा गया है अतिथि देवो भव, तो इसके तहत जो हॉस्पिटैलिटीज होती हैं, लोगों को जो सेवाएं हम देते हैं होटल्स में, रिसॉर्ट्स में, स्पास में, रेस्टोरेंट्स में, ये सारी जो चीजें हैं हमारे विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। दूसरा, एविएशन में भी आप स्कोप है टूरिज्म एंड ट्रैवल क्या, जैसे एयरपोर्ट्स के बारे में अध्ययन करना, जानकारी रखना, एयरलाइंस के बारे में पढ़ना, जानकारी रखना, कब कौन सी फ्लाइट किस समय है और कहाँ से है और इनके सिटी ऑफिसेस कहाँ पर है, इसकी जानकारी, ये सब चीजें जो है एविएशन से रिलेटेड है और यह भी हमारे विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है आपका टूर एंड ट्रैवल। टूर एंड ट्रैवल के अंतर्गत ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट्स, टूर गाइड्स, ट्रैवल प्लानर्स, क्रूज लाइनर्स, रेलवेज,
कार रेंटल इत्यादि जो है ये टूर और ट्रैवल के अंतर्गत ये सब कड़ियां हैं, इनके बारे में आना चाहिए, जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्यटक अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो आप ही से पूछेगा और आपको बताना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है हमारे विषय क्षेत्र में आता है एजुकेशन एंड रिसर्च, यह भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एजुकेशन एंड रिसर्च, जिससे हम प्लान प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं उद्योग को बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है रिटेल्स और उसके बाद आता है मीडिया। मीडिया में जो आता है प्रिंट मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, डिजिटल मीडिया होता है, ये सब की जानकारी के बारे में हमारे स्कोप के अंतर्गत आता है और हमें पढ़ना चाहिए। फिर आते हैं इवेंट्स। आजकल बड़ा एक शब्द आया है इवेंट मैनेजमेंट का, तो वही ये इवेंट्स हैं, जैसे मीटिंग्स हो रही है उसको ऑर्गेनाइज करना, कॉन्फ्रेंसेस हैं, स्पोर्ट्स हैं, कॉन्सर्ट्स हैं, एंटरटेनमेंट के विभिन्न माध्यम हैं, ये सारे इवेंट्स हैं, तो इनको ऑर्गेनाइज करना, इनकी जानकारी रखना। कुछ पर्यटक आते हैं कि कुछ एंटरटेनमेंट के नाते आते हैं, कुछ स्पोर्ट्स करने आते हैं, तो अगर आपके पास जानकारी नहीं है, आपकी लाइसेंसिंग नहीं है, तो आप सही तरीके से इस उद्योग में फिट नहीं है, तो इसलिए यह भी हमारे स्कोप के अंतर्गत आती है। रिटेल शॉप्स होती हैं, रिटेलिंग जो होती है, मध्यस्थता वाली जो बातें आती हैं वो भी इसमें है, बैंकिंग भी है, रियल स्टेट्स भी है, गवर्नमेंट प्राइवेट और एनजीओ जो है इनके भी बारे में जानकारी जरूरी है। कुछ गवर्नमेंट सेवाएं आप लेते हैं, कभी कभी आप प्राइवेट सेवाएं लेते हैं, कभी कभी कुछ एनजीओ कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे ट्रैवल एंड इंडस्ट्री को लाभ मिलता है, तो इस तरीके से ये सब भी हमारे स्कोप के अंतर्गत है। फिर आता है नेशनल, इंटरनेशनल एंड रीजनल डेवलपमेंट की बात आती है, और इनसे पॉलिसीज की बात आती है, आईटी सेक्टर की बात आती है, ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में बात आती है, ये सब के बारे में जानकारी जो है ये ट्रैवल एंड टूरिज्म के स्कोप के अंतर्गत आती है। दस द स्कोप इज विद इन ट्रैवल सर्विस सप्लाईज, ट्रैवल प्रोडक्ट्स एंड यूजर्स। तीन बातें स्कोप में हैं, इन तीन बातें जो आपको मैंने पिन पॉइंट किया है, इससे क्या निकलता है कि हमारे ट्रैवल एंड टूरिज्म के विषय क्षेत्र में नंबर वन क्या है, ट्रैवल सर्विस सप्लाईज सेवाएं, वो भी यात्रा से संबंधित। दूसरा क्या है, ट्रैवल प्रोडक्ट्स यानी यात्रा से संबंधित उत्पाद, और तीसरा क्या है, यूजर्स उपभोगकर्ता। ये तीन चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिए, यही हमारा सार है कार्य क्षेत्र का। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, सेगमेंट्स एंड वेंडर्स ऑफ द ट्रैवल इंडस्ट्री। सेगमेंट्स में आप देखिए ट्रैवल एजेंसी, और वेंडर्स में देखिए फुल सर्विस एजेंसीज, एयरलाइन, टिकटिंग एजेंसीज, क्रूज एजेंसीज आते हैं, इनको हम वेंडर्स बोलेंगे। फिर उसके बाद आप एयरलाइंस देखिए, एयरलाइंस में आप देखिए पैसेंजर एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट, चार्टर्स इत्यादि। लॉजिंग में आता है आपके होटल्स आते हैं, मोटल्स आते हैं, सप्लीमेंट्री एकोमोडेशंस आते हैं। कार रेंट्स में आता है ऑटोमोबाइल रेंट्स, ट्रक रेंटल्स, वैन चार्टर्स इत्यादि। फिर आपका टूर होलसेलर्स आते हैं, टूर के जो होलसेलर्स होते हैं जैसे टूर ऑपरेशंस, कंसोलिडेशंस, क्रूज लाइनर्स जो पानी में क्रूजर्स जाती हैं, क्रूज शिप्स, वो भी काफी एंटरटेनिंग होती हैं, लोग काफी पसंद करते हैं, जहाज में सिंगापुर जाना, जहाज में मालदीव्स जाना, और उसमें उस क्रूज में विभिन्न प्रकार के एंटरटेनमेंट्स होते रहते हैं, पर्यटक काफी इसको एंजॉय भी करते हैं, तो ये जो है क्रूज शिप्स इनको वेंडर्स के तौर पे हम कह रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है बस लाइनर्स यानी बस कंपनीज आती हैं इसमें, और बस चार्टर्स आते हैं। फिर रेलवे
लाइंस में रेलवे कंपनीज आती हैं और ट्रेन सर्विसेज जो होती हैं, जैसे पैलेस ऑन व्हील, ये बेसिकली दिल्ली से राजस्थान की ओर जाती है। इसमें लग्जरी ट्रेन है और टॉप क्लास ट्रेन है। ट्रेन को पैलेस की तरह बनाया गया है और राजस्थानी कला उसमें कूट कूट के भरी है। उसमें महाराजा जैसा आपको सेवाएं मिलेंगी, तो ये खास तौर से टू अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट्स। तो ट्रेन सर्विसेज में जो आप देखते हैं पैलेस ऑन व्हील है, ऐसे बहुत सारे ट्रेन्स सरकार ने निकाली हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, और ये सब ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, बढ़ावा देती हैं, अट्रैक्ट करती हैं लोगों को कि वो आए, चढ़ें और एंजॉय करें। नेक्स्ट हमारा जो टेबल है वो है ट्रैवल सर्विस प्रोडक्ट एंड यूजर्स। ट्रैवल प्रोडक्ट्स में क्या है, उत्पाद क्या है? ट्रैवल एजेंसीज हैं, एयरलाइंस हैं, होटल्स एंड सप्लीमेंट्री अकोमोडेशंस हैं, कार रेंटल कंपनीज हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, क्रूज लाइनर्स हैं, बस ट्रांसपोर्टेशंस हैं, रेलवेज हैं, टूर गाइड्स हैं, टैक्सी कैब्स हैं। अब ये ट्रैवल एजेंसी, एयरलाइंस, कभी कभी आपको लगेगा कि सर अंग्रेजी में बोल रहे हैं, पर ये नाम तो कॉमन नेम है और आपको समझना भी चाहिए। जहां तक मेरा प्रयास है, मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरे कॉलम में आप देखिए प्रोडक्ट सप्लायर्स। ट्रैवल एजेंसीज जो हैं वो क्या सप्लाई करती हैं? ट्रैवल को अरेंज कराती हैं, यात्राएं अरेंज करती हैं। एयरलाइन क्या करती है? एयर ट्रांसपोर्ट करती है। आप दिल्ली से आपको सिंगापुर ले जाएगी, दिल्ली से आपको बैंकॉक ले जाएगी, ये क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट के रूप में। होटल्स एंड सप्लीमेंट्री अकोमोडेशंस क्या करती हैं? रहने का जगह देती है। कार रेंटल कंपनीज क्या करती है? ऑटोमोबाइल को, गाड़ियों को रेंट्स में आपको देती है। टूर ऑपरेटर्स क्या करते हैं? प्री प्लान्ड ट्रिप्स आपके लिए तैयार करते हैं। आप अपने डेट्स देते हैं, उस डेट्स के हिसाब से आपका स्टे कितना है, 2 नाइट 3 डेज का स्टे है, तो उस हिसाब से प्री प्लान्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्रूज लाइनर्स क्या करते हैं? जहाज में, शिप्स में, क्रूज में अकोमोडेशंस प्रोवाइड कराते हैं और यात्रा कराते हैं। बस ट्रांसपोर्ट्स क्या करते हैं? बस ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं। रेलवेज भी यही काम करती है। टूर गाइड क्या करते हैं? साइट सीइंग टूर्स में ले जाते हैं और आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं, और आपकी यात्रा अधिक रोचक पूर्ण हो जाती है। प्रोडक्ट यूजर्स में क्या होता है? प्रोडक्ट यूजर्स में ट्रैवल एजेंसीज, ट्रैवल अरेंजमेंट में आप देखिए क्लाइंट्स होते हैं, एयरलाइंस में पैसेंजर्स होते हैं, होटल्स में क्या होते हैं? गेस्ट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, कार रेंटल कंपनीज में भी क्लाइंट्स होते हैं, टूर ऑपरेटर्स में भी क्लाइंट्स होते हैं, क्रूज लाइनर्स में पैसेंजर्स हम कहते हैं, बस ट्रांसपोर्ट्स में भी पैसेंजर्स कहेंगे, रेलवेज में भी जो चढ़ते हैं उनको भी हम पैसेंजर्स कहते हैं, टूर गाइड जो है उनको क्लाइंट बोलते हैं, टैक्सी कैब में जाते हैं उनको भी क्लाइंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा विषय क्षेत्र है उसमें ट्रैवल प्रोडक्ट्स भी आता है। प्रोडक्ट को सप्लाई कौन करता है इसके बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए, और पढ़ाई होती भी है। और प्रोडक्ट यूजर्स कौन इसका यूज कर रहा है? स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं? नहीं, क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं, पैसेंजर्स यूज कर रहे हैं, और हमारे गेस्ट्स यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब इतने बात करने के बाद, चर्चाएं करने के बाद, कुछ की टेक अवेज के नाम पर हम आपको बताना चाहते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के कुछ टेक अवेज हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या है? इट रिवर्स टू द इंडस्ट्री मेड अप ऑफ बिजनेस दैट प्रोवाइड ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज। ट्रैवल टूरिज्म जो है ये ऐसा उद्योग है जो बिजनेस करता है आपको ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज देके, यात्रा संबंधी सेवाएं देके वह बिजनेस करता है। दिस इज वॉट टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री इज। दूसरा की वर्ड आपका है ट्रैवल सर्विस सप्लाइज वेंडर्स। द बिजनेस डन बाय द इंडस्ट्री रिलेटेड टू टूरिज्म इज कॉल्ड वेंडर्स। जो
बिजनेस इस इंडस्ट्री में करते हैं, इससे जुड़े लोग जो होते हैं, जो ट्रैवल या टूरिज्म से इंडस्ट्रीज की बिजनेस करते हैं, उनको हम वेंडर्स बोलते हैं। ट्रैवल प्रोडक्ट्स क्या हैं? द सर्विसेज प्रोवाइडेड देम इज कॉल्ड वेंडर्स, द सर्विसेज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड ट्रैवल प्रोडक्ट्स। जो हम सेवाएं देते हैं, हम क्लाइंट्स को देते हैं वेंडर्स के माध्यम से, क्लाइंट्स को देते हैं, पैसेंजर्स को देते हैं, यही क्या है, यही हमारा प्रोडक्ट है। फिर हमारे सामने आता है गेस्ट, कस्टम्स, क्लाइंट्स, पैसेंजर्स। गेस्ट, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पैसेंजर्स क्या हैं? द पीपल हु परचेज, जो पर्यटन में आके सेवाओं को खरीदते हैं, खरीद के यात्राएं करते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं गेस्ट्स, कस्टमर्स, पैसेंजर्स। टूरिज्म एंड ट्रैवल मार्केट, द यूजर्स ऑफ दोज ट्रैवल प्रोडक्ट्स मेक अप अ टूरिज्म एंड ट्रैवल मार्केट। द यूजर्स ऑफ दोज ट्रैवल प्रोडक्ट्स, जो ट्रैवल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं, हमारा ये मार्केट है। जो क्लाइंट्स, पैसेंजर्स यूज कर रहे हैं हमारे उत्पाद को, वो हमारा मार्केट एरिया है, ट्रैवल एंड टूरिज्म का मार्केट एरिया है। मार्केट एरिया ट्रैवल एंड टूरिज्म का ये मत समझिए कि दुकान लगी है और लोग जा रहे हैं, नहीं। आप जो टिकट्स खरीद रहे हैं, आप जो क्रूज में जा रहे हैं, आप फोन में बात कर रहे हैं और सेवाओं की जानकारी ले रहे हैं, क्लाइंट्स ही आपका मार्केट है। ट्रैवल मार्केट क्या है? इट कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ पीपल हु स्पेंड एटलीस्ट वन नाइट अवे और ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ट्रैवल मार्केट क्या है? खास तौर से वे लोग जो अपने घर से बाहर कम से कम एक रात बाहर रहते हैं, लंबी यात्राएं करते हैं, तो यही लोग हमारे ट्रैवल मार्केट है। ट्रैवल मार्केट जो होती है वो दो प्रकार की होती है, बिजनेस ट्रैवल मार्केट और लेजर ट्रैवल मार्केट। बिजनेस ट्रैवल मार्केट में आता है कॉरपोरेट ट्रैवल, कमर्शियल, ग्रुप ट्रैवल और इंस्टीट्यूशनल ट्रैवल, और लेजर में फैमिली ट्रैवल और सिंगल रिसॉर्ट ट्रैवल। आप अकेले भी जाते हैं, रिसॉर्ट्स में एंजॉय करते हैं, अपने को कंफर्ट बनाना चाहते हैं, टेंशन फ्री होना चाहते हैं, दीज आर ऑल लेजर ट्रैवल्स। बिजनेस ट्रैवल में कॉरपोरेट ट्रैवल्स होते हैं कि कुछ कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं कुछ मीटिंग करने, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, दैट इज बिजनेस ट्रैवल मार्केट। कमर्शियल ग्रुप्स भी ट्रैवल करते हैं, कभी कभी कुछ संस्थाएं जो है वो भी ट्रैवल करती है। अब संस्थाएं ट्रैवल करने का मतलब नहीं कि बिल्डिंग जा रही है, वहां के लोग, एक ही संस्था के लोग दूसरे संस्था में जाते हैं और अपने ज्ञान को एक्सचेंज करते हैं, बिजनेस के ऑप्शंस को देखते हैं, पोटेंशियल्स को देखते हैं, तो ये हमारा है बिजनेस ट्रैवल मार्केट। तो आज हम इसी के साथ बड़े सरल तरीके से विषय वस्तु के बारे में हमने आपको बताया, और बताने में मेरा खास तौर से विशेष बल था कि मैं हिंदी में बताऊं, और आप अगर ध्यान पूर्वक इन सारी चीजों को समझेंगे, सुनेंगे, तब आप बड़ी सरल तरीके से चीजों को, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, एग्जामिनेशन के साथ साथ मेरा प्रयास है कि यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें आप रोजगार ढूंढ सकते हैं, यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें या जिसकी सेवाएं आपको पर्सनल लेवल पे भी पड़ेगी, यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें या जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज एन अट्रैक्शन, इट हैज सम अट्रैक्शन, इट हैज ग्रेविटेशनल पुल। तो इसमें बहुत स्कोप है, घूमने का भी, लोगों को घुमाने का भी, नौकरी पाने का भी। तो विषय क्षेत्र को एक
बहुत ही कट शॉर्ट करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा अगर आप ध्यान पूर्वक पहले लेक्चर से जहां तक मैं आपको अपलोड करूंगा उसको ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। सो वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वंस अगेन।